एक जो बाप होता है उसकी बेटी उसकी तब तक होती है जब तक उसकी शादी नहीं होती। हेलो मीठीज फैमिली मेम्बर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह का पोहा और शुगर फ्री बिस्किट और साथ में चाय बिल्कुल तैयार है। और ये है मेरे पापा का नाश्ता, क्योंकि पापा को शुगर है, डायबिटीज़ है, और अभी पापा मंदिर जा रहे हैं। बहुत से लोग सही गैस किए थे कि पापा आए हैं आपके। आना ठीक तो मैं जल्दी कभी नहीं रोती हूँ, किसी के सामने नहीं रोती हूँ, पर आज मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। और हो जाता है कभी कभी, सबके साथ हो जाता है। और पापा आए मुझे ले जाए बिना, क्यों चले गए, मैं सारी बात आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट में बताऊँगी ज़रूर। क्या बोलना है नाना को? वो फुल्की वाले से कह रहे, कुल्फी वाले से कल आना तो मेरे को हरी वाली दे देना, हरा रंग डिजाइन बना उसमें, क्योंकि कल तो पैसा नहीं रहेगा। तो कह रही अरे नाना दे के जाएंगे ना, तो वो पैसा मैं रखे रहूंगी तो कल फिर खा लूंगी। सब तो पहले मैं खा लिया पूरा पैसा नाना का खा लिया, अब क्या खाओगी? कह तो दिखाओ, अच्छा नहीं है नोट दिखाओ, जितनी होगी पूरी रख लेंगे। है ना बेटी, मीठी तो गई खड़े हो नहीं गए, तो खड़े खड़े गए थे क्या पूरा पास यहाँ से साढ़ो तक खड़े खड़े गए। तो अभी पापा और पापा जी दोनों लोग चले गए हैं सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि मम्मी जी नहीं हैं तो पापा जी को ही जाना होता है। और मैं यहाँ पे टहल रही हूँ, मैं सोची जब तक पापा जी लोग आते हैं हाँ तब तक मैं थोड़ा टहल लेती हूँ। तो चलो अभी टहल लेते हैं, फिर अंदर चलकर आप लोग से बात करते हैं। नारियल ओरियल होगा, नारियल नहीं खाना को नारियल वाला। ऐसे बेटी नाना को क्या बना रही थी, क्या बना के दिखा रही थी नाना को? ये इधर आओ। और तुम दरवाजे पे क्या लिखी हो, क्या लिखी हो बताओ तो? ये देखो क्या लिखी हो, फिर से बताओ। आई लव मॉम ना, आई लव यू मॉम। ये क्या बना हुआ है? आई लव मीठी बनाई है। किस दिन बनाई थी? जिस दिन क्या था, मदर्स डे था। क्या था उस दिन? मदर्स डे था। दे दो नाना को गिफ्ट, दे दो अपने नाना को। हो गया, परवल आ गया, कल तो बाजार है, परवल आलू सब्जी बनाएंगे। हाँ लेके तो नहीं जाना, तो 8 बजे वाला क्या हुआ जो गाड़ी जाने वाली थी? अभी 8 बजे बताएगा, 8 बजे तो अचानक 8 बजे बताएगा। तो खाना पीना, खाना पीना अभी बताएगा तो देर बाद जाएगा पुरंता। मम्मा देखो ना वो पिंक पिंक निकाल दो वो। चलो हम जा रहे हैं खाना बनाने, तुम टाइम पास करो बेटी दादी नाना के साथ, ठीक। इधर आलू और परवल दोनों चीज़ मैंने काट लिया है और इसको अब मैं करने जा रही हूँ फ्राई। तो ये तेल है और उसके बाद फ्राई करने के बाद हम लोग सब्जी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज और हरी मिर्च ली है, आप इसमें लाल मिर्च भी पीस सकते हैं, इतनी चीज़ ली है। और अभी आगे मैं सब्जी बनाने में और जो जो चीज़ें यूज़ करूँगी आपको दिखाऊँगी। तो चलो फटाफट से सब्जी बनाते हैं, ये देखो, और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो लहसुन प्याज अदरक का जो पेस्ट है इसको अच्छे से तेल में पकने देंगे और इसी के साथ इसमें डाल देंगे गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि कलर और टेस्ट दोनों अच्छा हो जाएगा। और गर्मियों में थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं मिर्च, आप लोग भी लाल मिर्च थोड़ा कम यूज़ किया करिए। और उसके बाद मसाले को अच्छे से भून लेना है, पका लेना है ढक के,
ताकि इसमें तेल की एक लेयर बन जाए ऊपर से, तब आपका मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका होगा। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर काट के, आप चाहो तो टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे काट कर डाला है। और थोड़ी देर तक और मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक ताकि फटाफट से हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाए। और एक हाथ मैंने फ़ोन पकड़ा, एक हाथ से बना रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा शेकी हो रहा है कैमरा, आप लोग मैनेज कर लेना। और उसके बाद फ्राई आलू और परवल को भी मैं ऐसे में मिक्स कर दूंगी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा चलाएंगे, और उसके बाद इसमें मैं जितना हमें पानी डालना है, जितना हमें ग्रेवी करनी है उस हिसाब से करके छोड़ दूंगी, क्योंकि हमें तो रोटी चावल खाना है भाई, तो हम थोड़ा अच्छे से ही करेंगे। और उसके बाद फिर अच्छे से इसको खौला लेंगे, पका लेंगे थोड़ी देर तक के लिए। तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। लग गया तो तब से जल रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो सब्जी है आलू परवल की, ये बन चुकी है, चावल भी बन चुका है, और इधर मैंने आटा गूंथ लिया था, तो मेरे लोई भी तैयार हो गए थोड़े थोड़े। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, और उसके सोचा था मैंने पूड़ी बनाऊंगी, पर पापा बोले इतना ज़्यादा गर्मी में ऑयली मैं नहीं खा सकता भाई, और कोई भी नहीं खा सकता, तो इसलिए मैं पूड़ी नहीं बना रही। वैसे ये सब्जी के साथ ना पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है। खाना एक नाना की प्लेट है और एक दादू की प्लेट है, ठीक है। चलो खाना दे के आओ। सादा पानी दे दी हो, मटके वाला पानी दे दी। और रोटी सेकते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और तुम देख के आना, ठीक है। क्या बना रही हो? ये इनकी रोटी देखो, अभी तवा बंद है बेटी, अभी खाना निकाल रही थी ना मम्मा, हटो। सो गाइस, अभी 3:00 बज रहा है, 3:05 हो गए हैं, और पापा की जो ट्रेन है वो 3:54 की है। तो अभी सुबह सुबह का 3 बजा है, बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो अभी पहले चाय दे के आते हैं पापा को, फिर बात करते हैं। लेना रास्ते में कहीं पे मिले बिस्किट को, 6 बजे कटनी रुकेगा, वहीं कटनी में चाय लेके खा लेना। यही भूले जा रहे थे। तो बहुत तो ठंडा नहीं है, पर हो गया काम भर का ठंडा है। बाय मीठी, बाय, छोड़ के आना दादू को, ठीक है, नानू को। बाय बाय, जा रहा हूँ। सो गाइस, पापा कल जा चुके हैं और अभी वो पहुंच भी गए हैं, और सोच ही रही थी कि अगर जैसे बोलूँगी ना तो मेरे आँख में आंसू आ जाता है, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, अब पापा पहुँच चुके होंगे घर, फ़ोन नहीं लगाई अभी मैं, अभी फ़ोन लगाऊंगी तो पता चलेगा। और इस टाइम पे इसलिए मैंने कैमरा उठाया है, सुबह से सोच रही थी कि आप लोग से बात करना है, ब्लॉग का कल मैंने एंड नहीं किया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो ब्लॉग कहाँ से, मतलब कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी मेरी। तो अभी सब लोग अपने अपने कमरे में सो गए हैं, तो होता है अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और एक सच में एक बहू होंगी, अगर आप बहू हैं, किसी के घर की बहू हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, सास ससुर देवर, ऐसा मतलब आपका परिवार होगा, आप घर परिवार के लोग होंगे, तो आप ये समझ सकते हो। सारी लड़कियों पे ये डिपेंड नहीं करता यार, बहुत सारी लड़कियां आजकल के लोग ऐसे भी हैं भाई, अपनी खुशी के आगे उनको किसी की खुशी नहीं होती। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ कि बस मेरे पापा इसीलिए नहीं लेके जा पाए मुझे कि मम्मी जी अभी तक नहीं आ पाईं, और नानी जो मेरी नानी सास है उनकी तबीयत अचानक से फिर से ख़राब हो गई, जिस पापा आए थे लेने। पर क्या कर सकते हैं, अगर जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, वो आपको नहीं मिल सकता। इस चीज़ को अगर आप सोच लोगे ना, तो फिर आप थोड़ा संतुष्ट हो जाओगे, शांति से बैठ जाओगे।
तो बस मैंने भी यही सोच लिया, क्योंकि हर जगह जोर ज़बरदस्ती से काम नहीं चलता है, कुछ जगह समझना भी पड़ता है, दिमाग से भी काम करना पड़ता है। तो मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, दाल चावल चटनी बनाया था मैंने, इन लोगों ने खाया भी। बस ये लगता है यार, कि एक जो बाप होता है उसकी बेटी उसकी तब तक होती है जब तक उसकी शादी नहीं होती। और एक बार अगर शादी हो जाती है तो उस बाप का उस पर कोई हक नहीं होता। और मेरे पापा तो इतने अच्छे भाई, वो तो बोले कि जब मम्मी जी आ जाएंगी तो आराम से आ जाना। और मेरे पापा चले भी गए बोल के, और मेरे ससुर जी बोले कि मैं खुद छोड़ाऊँगा, कोई बात नहीं, मम्मी जी आ जाएंगी तो मैं खुद तुम्हें छोड़ाऊँगा। वो तो बोल रहे थे कि अगर मीठी का आधार कार्ड भी अपडेट करवाना था, अगर बार बार कट करना पड़ रहा है वीडियो को, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती। तो पापा जी ने बोला, मतलब मेरे ससुर जी ने बोला कि हो गया, पापा को जाने दो, और जब मम्मी जी आ जाएंगी या आने वाली रहेंगी तो मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊँगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वैसे नानी जी की जो भी तबीयत है वो अभी थोड़ी ठीक है, पहले से बेटर है। मम्मी जी को भी बहुत बुरा लग रहा था कि मैं नहीं जा पाई, पर हो सकता है, क्या कर सकते हैं यार, जब जो चीज़ आपके भाग में नहीं, बार बार वही बोल रही हूँ मैं, तो होता है, कभी कभी हो जाता है कि मतलब पापा मेरे यहाँ तक आए मुझे ले नहीं जा पाए, हो जाता है। अगर आप ससुराल में हो तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो। तो बस इसी बात थी, छोटी सी बात थी, अगर आप समझदार हो जाओ, अपने आप में कंट्रोल रखना सीख लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अभी मैं अभी चाहती जिद कर लेती, नहीं मुझे जाना है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे खाना वाना बना के, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, मेरे पापा आए मुझे लेने, मैं जाऊँगी, तो बात बिगड़ जाती यार। तो बात को समझना चाहिए और अपना परिवार को चलाना चाहिए। दो चार दिन के लिए मायके जाके झगड़ा करके अगर जाओगे भी, अगर मान लो मैं जीत करके चली भी जाऊँगी, फिर तो मुझे वापस यहीं आना होता ना, तो इसलिए ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप लोग भी समझा करो, ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोग भी दिमाग से काम किया करो, ना कि दिल से। तो बस मुझे पापा का इतना दुख लग रहा था कि जो पापा मेरे मतलब मुझे कभी ना बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, चाची के किसी के यहाँ कभी नहीं छोड़ते थे, जहाँ जाते थे अपने साथ लेके जाते थे, और आज बेचारे बिना मुझे लिए ही चले गए, उनको भी बहुत दुख लगा होगा। चलो अच्छा ठीक है, कभी कभी ना बहुत रोना आ ही जाता है। वैसे मैं कभी किसी के सामने नहीं रोती, पर बताओ यूट्यूब पे इतने सारे लोग के सामने रो देती हूँ, क्या बात है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।